ब्रज के 12 वनों में प्रमुख पंचम वन काम्यक वन, जो आदि वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ आज हम आए हैं मंदिर श्री गोपीनाथ जी। मंदिर श्री गोपीनाथ जी में गोपीनाथ जी के साथ श्री नित्यानंद महाप्रभु की सहधर्मिणी जाह्नवी माता और स्वामिनी जी श्री राधा रानी का बहुत ही सुंदर स्वरूप विराजित है। कामा का एक अत्यंत प्राचीन देवालय जो माधव गौड़ संप्रदाय की एक प्रमुख पीठ माना जाता है, आज हम इस विशाल देवालय के अंदर आपको लिए चलते हैं। एक विशाल परिसर जो वर्तमान में बड़ा ही जीर्ण शीर्ण और संरक्षण की बाट जो रहा है, ऐसे मंदिर श्री गोपीनाथ जी पर आज हम चलते हैं। आज हम ब्रजभूमि कामवन स्थित मंदिर श्री गोपीनाथ जी के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं। मंदिर श्री गोपीनाथ जी माधव गौड़ संप्रदाय का एक बहुत ही प्राचीन और दुर्लभ देवालय है, जहां माधव गौड़ संप्रदाय से जुड़े हुए बहुत सारे श्रद्धालुओं और भक्तों के साथ साथ ब्रज 84 कोस परिक्रमा के लिए जितने भी श्रद्धालु वैष्णव भक्तजन आते हैं, वो सब मंदिर श्री गोपीनाथ जी के दर्शन अवश्य करते हैं। आप देखें, मंदिर श्री गोपीनाथ जी का बहुत ही प्राचीन स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना, बहुत सुंदर पत्थर की पच्चीकारी मीनाकारी का एक बेहतरीन नज़ारा मंदिर श्री गोपीनाथ जी, जहां आपको हमारी प्राचीन मंदिरों की स्थापत्य कला और वैभव का दिग्दर्शन होता है। ये गोपीनाथ जी का मंदिर किसी समय बड़ा भारी प्रतिष्ठित देवालयों में गिना जाता था, और समझिए कामाखेड़ा का मंदिर भी कहते हैं इसे। जिस समय कामाखेड़ा बसा था ना, उस समय से ये मंदिर अस्तित्व में है, मंदिर श्री गोपीनाथ जी का। आज मंदिर श्री गोपीनाथ जी के इस प्रांगण में हम हैं, और आपको माधव गौड़ संप्रदाय के इस अद्भुत और अलौकिक देवालय के दर्शन कराने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। ये आप देखेंगे तो बीच में श्री गोपीनाथ जी का बहुत ही मनोरम स्वरूप आपको दिखाई देता है, और अगर देखेंगे तो एक और माधव गौड़ संप्रदाय के श्री नित्यानंद महाप्रभु की सहधर्मिणी जाह्नवी माता गोपीनाथ जी के बाम भाग में बड़े सुंदर स्वरूप में विराजित हैं। तो दूसरी ओर स्वामिनी जी श्री राधा रानी का स्वरूप यहाँ पर विराजित है। ये बहुत ही सुंदर और अलौकिक स्थल है। आइए हम इसके दर्शन करने के लिए ऊपर जगमोहन में पहुँचते हैं। यहाँ ये गोपीनाथ जी का मंदिर, किसी ज़माने में इस मंदिर में बहुत ही सुंदर भित्ति चित्रों का नज़ारा था। आप जरा ऊपर दिखाइए, कितने सुंदर सुंदर चित्र यहाँ बने हुए थे, लेकिन ये चित्र जो हैं ये अब कालांतर में मिट चुके हैं, लेकिन इनके अवशेष आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको लगेगा कि ये कितना बेहतरीन नज़ारा है। ऊपर देखिए तो बहुत ही सुंदर महारास का चित्र आपको दिखाई देता है। जरा महारास का बेहतरीन नज़ारा, बिच बिच गोपी, एक एक दो दो गोपी, बिच बिच माधो नृत्यत संग सहेली, दो दो गोपी बिच बिच माधो नृत्यत संग सहेली। इधर भी गोपी है, उधर भी गोपी है, और
उन गोपियों के बीच में कृष्ण भगवान महारास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे तो गोपियां हैं, गोपियों के ये चारों ओर गोपियां हैं, उन्हें दिखाइए, फूलों के चारों ओर जो गोपियां हैं और गोपियों के बीच में जो भगवान कृष्ण हैं, दो दो गोपियों के बीच में एक एक माधव, ये जो खूबसूरत और अलौकिक महारास की छटा है वो इन भित्ति चित्रों में आपको दिखाई देने के लिए मिलती है। अब हम सीधे निज मंदिर की ओर चलते हैं। यहाँ के ये पुजारी हैं श्री दैत्यारी चरण दास, जो उड़ीसा के रहने वाले हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ ठाकुर जी के सेवा पूजा अर्चना का काम कर रहे हैं। मैं इनसे आपकी बात करना चाहूँगा। आपका क्या नाम है साहब पुजारी जी? श्री दैत्यारी चरण दास। दैत्यारी चरण दास, तो ये जो यहाँ स्वरूप जो दिखाई दे रहे हैं, दर्शन जिनके हम कर रहे हैं, इनके बारे में बताइए कौन कौन से स्वरूप हैं। बीच में तो जो विग्रह दिख रहे हैं ये आपके गोपीनाथ जी है। हाँ। और इनके दाहिने तरफ राधा रानी, ये गोपीनाथ जी के दाहिने तरफ। अच्छा, गोपीनाथ जी के दाहिनी तरफ। दाहिनी तरफ मतलब गोपीनाथ जी का जो दायां हस्त कमल जो है उसके इधर राधा रानी है। राधा रानी। हाँ। और बाएं हस्त तरफ वो है जाह्नवी मैया। बाएं हस्त की तरफ बता रहे हैं कि ये जाह्नवी माता हैं, जो नित्यानंद महाप्रभु की पत्नी, नित्यानंद महाप्रभु की पत्नी है, जो अपने माधुगौड़ संप्रदाय में जो आदि गुरु नित्यानंद महाप्रभु हुए हैं, उन नित्यानंद महाप्रभु की ये सहधर्मिणी है जाह्नवी माता। जाह्नवी माता उनका ये विग्रह है। और ये दैत्यारी चरण दास जी हैं जो उड़ीसा के रहने वाले हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से इस मंदिर का पूजा अर्चना का काम कर रहे हैं। यहाँ एक ये भित्ति चित्र लिखा हुआ है, यदि आप इसे देखेंगे तो इस पर लिखा हुआ है, यह श्री गोपीनाथ जी का मंदिर बनाया वर्धमान के राजा त्रिलोक चंद बो महारानी मानवती ने शक द्वारा 1669 में अपने गुरु श्रीमद गोस्वामी श्री गोपाल लाल देव जी को भेंट किया। अर्थात ये मंदिर जो है 1669 में बनाया गया है और 1669 और आज हो गए 2077, तो आप देखिए लगभग 400 वर्षों से भी अधिक पुराना ये मंदिर है। और यद्यपि यहाँ शिष्य सेवकों ने बहुत बढ़िया इसकी व्यवस्था कर दी है, लेकिन अगर इसकी बाह्य परिक्रमा में देखेंगे तो बड़ा ही जर्जर यहाँ का दृश्य आपको दिखाई देगा। पीछे की जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल गिरने के कगार पर है, वहाँ बड़ा भारी खतरा हमेशा बना रहता है और इसीलिए परिक्रमार्थियों के लिए इसकी परिक्रमा जो है वो बिल्कुल बंद कर दी गई है कि कहीं कोई वो जर्जर भग्नावशेष जो हैं वो उनके ऊपर ना गिर पाए। ये गोपीनाथ जी का जो विग्रह है ये पहले वृंदावन से यहाँ पधारा है और वृंदावन से जब सभी स्वरूपों को सुरक्षित स्थानों पर स्थापित करने की जब ऐसा संक्रमण काल आया मुगलों के ज़माने में, तो उस समय इन स्वरूपों को भी वृंदावन से यहाँ पहले कामवन में पधराया गया और फिर कामवन के बाद गोपीनाथ जी का स्वरूप जयपुर पधराया गया, जो जयपुर आज भी मूल जो स्वरूप है गोपीनाथ जी, जाह्नवी माता और स्वामिनी जी का, वो जयपुर में विराजित हैं और उनका प्रतिभू स्वरूप यहाँ आदि वृंदावन कामन के इस गोपीनाथ मोहल्ला में श्री गोपीनाथ जी मंदिर के रूप में स्थापित है, जिसका यहाँ पूरे ब्रजमंडल में एक अपना अलग महत्व है, एक अपना अलग महात्म्य है। और ब्रज 84 कोस की परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा, सतकोसी परिक्रमा, जितनी भी परिक्रमा आती हैं उन सब के वैष्णव श्रद्धालुजन यहाँ इस गोपीनाथ जी का दर्शन करने के लिए अवश्य आते हैं। तो हम सब मिलकर एक बार जयकारा बोलेंगे, बोलो श्री गोपीनाथ जी भगवान की जय, श्री जाह्नवी माता की जय, श्री राधा रानी की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।